10 मिनट और गए, जब बन के रेडी हो गया है। और क्या, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज नया साल के दिन हम क्यों कहीं घूमने नहीं गए। सुबह होते ही जब हमने होटल से चेकआउट किया तब हमें पता चला कि हमारी गाड़ी का जो है ब्रेक फेल हो चुका है। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है विशाल और आप लोग का स्वागत करता हूँ आज के एक नए ब्लॉग में। तो गाइज, आज है 1 जनवरी, तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी बर्थडे, जा हैप्पी न्यू ईयर। मेरे तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। गाइज, आप अपने यहाँ कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हो तो आपको पता होगा, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ हम कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तो ये ब्लॉग न्यू ईयर के नाम। लेकिन गाइज, मैं सबसे पहले आप सभी को ये बात बता दूं कि मेरे घर में जो है, मतलब यहाँ के घर और गाँव के घर में दोनों जगह पे सब लोग वेजिटेरियन है, मतलब सब लोग शाकाहारी है। कोई भी हमारे घर में मांसाहारी चीज नहीं खाता है सिवाय मेरे और मेरी छोटी बहन की। लेकिन यहाँ पे सब वेजिटेरियन है तो यहाँ पे तो नहीं खा सकते, तो इसलिए मुझे जाना होगा यहाँ से फुआ जी के घर बीरगंज। यहाँ से मैं अकेले ही जाऊंगा गाइस, क्योंकि मेरी छोटी बहन पहले ही जा चुकी है फुआ जी के घर। लेकिन गाइस, चलिए अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पे सब लोग जो है क्या क्या अभी कर रहे हैं। चलिए अंदर देखते हैं। यहाँ पे मिलिए सबसे पहले हमारी मौसी जी से। न्यू ईयर विश कर दीजिए मौसी जी सभी को। हैप्पी न्यू ईयर सबको। न्यू ईयर गाइज, मौसी जी ने भी विश कर दिया, तो सेम टू यू लिखना मत भूलिएगा कमेंट में। और ये रही मेरी छोटी बहन, न्यू ईयर विश कर दो सभी को। ये भी न्यू ईयर विश कर दी गई। अभी चलते हैं दादाजी से भी, दादाजी मतलब दुकान में बैठे हैं, उनसे भी कहो आप बोलो आते हैं। ये रहा मेरा छोटा भाई गई, न्यू ईयर विश कर दो सभी को। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। और ये रहे हमारे दादाजी, वह सबके कहो तो न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर कह दो। वाह, सबके कहो तो हैप्पी न्यू ईयर। आप दादाजी को बोलने नहीं आ रहा है इंग्लिश में, तो कोई नहीं, उन्होंने बोल दिया। तो सभी को आप लोग सेम टीवी लेकर मत भूलिएगा गाइस कमेंट में। और गाइस, मेरे चैनल पे मैं लगभग शायद ये 2 महीने बाद लॉन्ग ब्लॉग डाल रहा हूँ, क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं मिनी ब्लॉग बना रहा हूँ गाइस। मैंने मिनी ब्लॉग में 90 डेज डेली ब्लॉगिंग चैलेंज स्टार्ट किया है और आज उस चैलेंज का डेट 37 है, यानी कि 37वां दिन है यार। और गाइस, अभी सुबह के 9 बज चुके हैं, तो अभी चलते हैं गाइस नहाने, क्योंकि अभी मुझे बीरगंज भी जाना है। और गाइस, वैसे तो मैं रोज नहीं नहाता, लेकिन आज न्यू ईयर है तो नहाना तो पड़ेगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से सीधा नहाने के बाद। तो गाइस, अभी मैंने नहा के कपड़े पहन लिया है और गाइस बहुत ज्यादा ठंड है गाइस। और सीधा गाइस, मैं अगले साल नहाऊंगा, बहुत ज्यादा ठंड है गाइस। अभी चल के गाइस बाल सेट करते हैं और फेस में मॉइस्चराइजर लगाते हैं, नहीं तो फिर भकंदर जैसा दिखेगा एकदम। तो गाइस, जब मैं यहाँ पे पूरा रेडी हो चुका हूँ और अभी मैं आप लोगों को चल के बताता हूँ कि आज यहाँ पे खाने में क्या बना है। तो गाइस, ये रहा यहाँ पे पनीर का सब्जी और ये रहा चावल। आज यहाँ पे खाने में पनीर का सब्जी और चावल बना है और शाम को पूरी पकेगा। तो गाइस, खाना बन के रेडी हो चुका है, तो चलिए हम भी चलते हैं खाना खाने। तो गाइस, मैं बैठ चुका हूँ खाना खाने, अभी मेरी छोटी बहन खाना लेकर आ रही है और यहाँ पे मौसी जी अभी खाना खा रही है बैठ के। तो गाइस, यहाँ पे मेरी छोटी बहन खाना लेकर आ रही है। तो गाइस, अभी मैंने खाना खा लिया है और अभी मैं जूता पहन रहा हूँ। जूता पहन के अभी 10 बज चुका है गाइस, पहन के फटाफट से चलते हैं बीरगंज। वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि आज हम कहीं घूमने जाने वाले हैं या नहीं। चलिए गाइस, जब यहाँ से चलते हैं सीधा चौक पे, वहाँ पे चल के अब गाड़ी में बैठेंगे, वहाँ से चलेंगे सीधा बीरगंज। और गाइस, ये रहा हमारा झोरा। अभी मैं आ चुका हूँ गाइस यहाँ पे रोड के साइड और ऑटो वहाँ पे आ रहा है, देखते हैं उस पर खाली है कि नहीं। सामने चलते हैं यहाँ से, ये रहा हमारा झोरा। नंबर देवे पहुँच गया, अभी चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं यहाँ से। ये रहा हमारा सामने गाड़ी, बैठ चुके हैं गाड़ी में, अभी चलते हैं यहाँ से सीधा दिल्ली जाएंगे। अब पहुँच गए दिल्ली, यहाँ से भैया दिल्ली आ चुके हैं, ये चलते हैं। पहुंच गए घर, अभी चलते हैं अंदर। हमारी फुआ जी, विश कर दीजिए फुआ जी सभी को। फुआ जी ने सभी को विश कर दिया गाइस। साहब भैया जी का बेटा यानी हमारा भतीजा। गाइस, जब हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे भैया जी सोए हुए हैं और फूफा जी गए हैं लाडो को लेकर आने, दीदी भी आ रही है, आते हैं तो मिलवाते हैं उनसे भी आप लोगों को। यहाँ पे अभी भैया जी सोए हुए हैं, देखो गाइस भैया को कितना ज्यादा ठंड लग रहा है, ये 2 ब्लैंकेट ओढ़ के सोए हुए हैं। आज के दिन ये नहीं नहाए हैं गाइस, देखो आज के दिन बोल रहे हैं कि आज नहाऊंगा तो पूरा साल नहाना पड़ेगा, इसलिए बोल रहे हैं कि आज नहीं नहाऊंगा। चलिए गाइस, बाहर आ चुकी है लाडो, चलते हैं मिलते हैं उनसे। ये रही दीदी हमारी और वो रही लाडो। लाडो आ जा, आवा आवा, हम रखो आवा 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 आवा, ये हाँ आगे गई लाडो हमारे पास। हाय कर दो उसमें, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो, इसमें हाय कर दो, नहीं कर रही गई है, अभी मूड में नहीं है ये। अभी हम चलते हैं, यहाँ का जो चूल्हा है उसका पाइप खराब हो चुका है, उसी को ठीक करने। यहाँ पर भैया जी उसको निकाल रहे हैं।
ये सबसे पहले इस रेगुलेटर को चेक कर लेते हैं, ये तो कहीं खराब नहीं है गाइस, ये रेगुलेटर ही खराब है, वो पाइप ठीक है, ये रेगुलेटर खराब है, इसमें से अंदर से गैस ही नहीं आ रहा है। अभी ये रेगुलेटर चेंज करना होगा, पाइप ठीक है गाइस। तो गाइस चूल्हे का जो है ये वाला रेगुलेटर खराब है, तो अब जाएंगे बाजार तो नया खरीद के लाएंगे, तो अब लगाएंगे। तो गाइस जब ये अंदर लाडो रो रही थी तो मैं इसको बाहर लेकर आया हूँ थोड़ा घुमाने। गाइस यहाँ पे लाडो को मैंने खड़ा कर दिया है, अभी चलते हैं, एक दो अमरूद तोड़ते हैं। कौन सा वाला तोड़े? तोड़ दिया गाइस, जहाँ पे एक अमरूद मैंने तोड़ा है लाडो के, देता हूँ पकड़ो ला ला। तो गाइज मैंने लाडो का एक अमरूद तोड़ के दे दिया है, अभी ये खुशी हो गई है पूरा। अभी चलते हैं अंदर, अभी मैंने कपड़े भी चेंज कर लिया है, अभी हम लोग जा रहे हैं चूल्हे जलाने, क्योंकि यहाँ पे मटन वगैरह हम बनाने वाले हैं, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइज यहाँ पे आग जल चुका है, अभी भैया जी तावा धोकर ला रहे हैं रखने के लिए। रखिए भैया जी रखिए, ये तावा भी रख दिया गया, अभी थोड़ा गर्म होगा उसके बाद उस पर तेल रखा जाएगा। गई ये आ गया सबसे पहले इस पर तेल, और ये रही गई लाडो, देखो अभी क्या कर रही है ये। चलिए अब इस पर मीट रखा जा रहा है, छना ना ना। दस मिनट और गई, जब बन के रेडी हो गया है, 10 मिनट और लगेगा गाइस, 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा वो। और वो जो चीज़ बन रहा है गाइस, जिसे हम ताश फ्राई बोलते हैं, आप इसे किस नाम से बुलाते हैं उसे कमेंट में जरूर बताना आप। गाइस फाइनली तैयार हो चुका है, इसको साइड में किया जा रहा है ताकि इसका पूरा तेल जो है बाहर निकल जाए, सब एक जगह ही रखा जा रहा है गाइस। गाइस सभी एक साथ ही बैठते हैं खाने। खाना हुआ कंप्लीट, अभी यहाँ पे मैं कोक पी रहा हूँ गाइस। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि आज नया साल के दिन हम क्यों कहीं घूमने नहीं गए, उसका रीज़न है पिछले वाला नया साल यानी कि 2023 का 1 जनवरी, पिछले वाले नया साल के दिन हम एक ठाव पे गए थे घूमने, उस ठाव का नाम था कलीन चौक। और गाइस जिस ठाव पे हम लोग गए थे आइस देखने यानी कि बर्फ़ देखने, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि जहाँ पे बर्फ़ पड़ रहा होगा वहाँ पर ठंड कितना ज़्यादा होगा, हमने ये बिल्कुल भी किसी ने नहीं सोचा। हम लोग यहाँ से चल दिए, ना ही भैया जी वहाँ पे कभी गए थे और ना ही हम में से कोई गया था उस ठाव पे। मैप के सहारे तो गाइस हम लोग निकल गए, लेकिन इतना ज़्यादा ऑफ रोडिंग था उस रास्ते में कि क्या ही बताएं, मतलब कि हमें गाड़ी से नीचे उतरना पड़ रहा था तब जाके गाड़ी चल रहा था ऊपर। किसी तरह गए ऑफ रोडिंग करते हुए हम लोग पहुंचे कलीन चौक। वहां पहुंचते ही सबसे पहले जिस दिक्कत का सामना करना पड़ा था हमें, वो था ऑक्सीजन। वहां पे ऑक्सीजन बहुत कम था गाइस, सबसे पहले तो फुआ जी को ऑक्सीजन की कमी हुई, उसके बाद मुझे भी ऑक्सीजन का कमी होने लगा। और दूसरा गाइस ठंडी वहां पे -4 था, इतना ज्यादा ठंडी था गाइस कि मैंने तो स्वेटशर्ट उसके ऊपर 2 जैकेट लगाया था, और उसके ऊपर जो था मतलब 5 ब्लैंकेट मैंने ओढ़ा था, फिर भी मुझे ठंडी लग रही थी। और उसी में ऑक्सीजन का भी कमी था, तो मुझे सांस लेने में और ज्यादा दिक्कत हो रहा था। और गाइस हम लोग वहां से रात को भी नहीं आ सकते थे क्योंकि बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग था, तो रात को आना भी मतलब सही नहीं रहता। किसी तरह हमने रात काटा, हमने सुबह होने का वेट किया। सुबह होते ही जब हमने होटल से चेकआउट किया तब हमें पता चला कि हमारे गाड़ी का जो है ब्रेक फेल हो चुका है, और वहाँ पे कोई मैकेनिक भी नहीं था जो गाड़ी ठीक कर पाए। तो ड्राइवर ने किसी तरह करके ब्रेक ठीक किया और हम लोग नीचे आए, मतलब हम लोग 13,000 फीट ऊपर थे, तो उससे नीचे आए, नीचे एक ठाव था जहाँ पे मतलब गाड़ी रिपेयर हो, और वहाँ पे हमने ब्रेक ठीक करवा के हम लोग वहाँ से घर के लिए निकले। लेकिन तभी रास्ते में हमारे गाड़ी का जो है लाइट खराब हो गया, मतलब उस दिन हमें इतना ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा था कि बात ही मत पूछिए आप लोग। तभी से हमने डिसाइड कर लिया कि न्यू ईयर के दिन कहीं पे नहीं जाएंगे, आज के बाद से हम लोग घर में ही रहेंगे, बनाएंगे खाएंगे, लेकिन कहीं घूमने नहीं जाएंगे। तो इसलिए गाइस आज हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, यही था मेन रीजन। बाकी आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय ऑल।